नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। थाना डिडोली पुलिस द्वारा वाहने से लिफ्ट लेकर हाईवे पर गाड़ी चालक से लूट करने वाली दो युवती सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से लूटे हुए चार स्मार्टफोन, अवैध असलहा व लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। आपको बता दें कि दिनांक 6 जनवरी की रात्रि वादी दीपक पुत्र चरण सिंह निवासी केलुआ थाना नखासा जनपद संभल द्वारा थाना डिडोली पर सूचना दी गई कि रात्रि में इकोंदा रोड पर रामनगर से आगे दो अज्ञात युवतियों ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर 20,000 रूपए व चार मोबाइल फोन लूट लेने संबंधी तहरीर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। काफी मशक्कत के बाद थाना डिडोली पुलिस ने सुबह लूट की घटना का अनावरण कर घटना में सम्मिलित चार अभियुक्त थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव हैबतपुर के निवासी अब्दुल मोहित खान पुत्र सरफराज खान, थाना डिडोली क्षेत्र के गांव निवासी मोहल्ला इकबाल शारे पुत्र साबिर, थाना डिडोली कस्बा जोया की निवासी मेहरीन, थाना डिडोली कस्बा जोया निवासी मोहल्ला इकबाल नगर की महकरानी उर्फ रजिया पुत्र साबिर को अमरोहा रोड नारंगपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटे हुए 20,000 रूपए, चार मोबाइल फोन, आईफोन, वन प्लस, वीवो कंपनी और आधार कार्ड, अवैध असलहा, अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो को बरामद किया। फिलहाल डिडोली पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संबल क्षेत्र के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक अपने दोस्त के साथ कार से जोया से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच में खंदर रोड पर रामनगर के पास दो लड़कियों द्वारा उनकी कार को रुकवाया गया। उसी दौरान पीछे से उन लड़कियों के दो साथी और आए और उनके द्वारा दीपक व उसके साथी से मारपीट करते हुए उनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें उनके द्वारा 20,000 रूपये तथा चार मोबाइल छीन लिए गए। इस संबंध में दीपक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। डिडोली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को लूटी गई धनराशि 20,000 रूपये तथा चारों मोबाइल व एक तमंचा तथा दो कारतूस के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।